गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट का ब्लॉग मैंने जो ना पिछले रविवार को ही मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन टाइम ना होने के कारण से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैंने इसको एडिटिंग करके अपलोड कर दिया है। तो इस इंडिया गेट का मज़ा लीजिए इस ब्लॉग का। प्रथम विश्व युद्ध में 70,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, तो उन्हीं की याद में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। तो इंडिया गेट की दीवारों पर आप उनका नाम देख सकते हैं। इंडिया गेट जाने के लिए हमने DTC बस का इस्तेमाल किया था। ये जो आप बस देख रहे हैं, इसी बस में से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया गेट आए हैं, लेकिन इंडिया गेट बंद पड़ा हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के बाद इंडिया गेट खुला ही नहीं है। लेकिन यहाँ के लोकल्स मार्केट है, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो मार्केट क्या है, मतलब थोड़ी बहुत ये लॉकडाउन से बंद ही पड़ा है। हम आए इतने उम्मीद लेके आए हैं, और सब लोग मायूस होकर जा रहे हैं। इंडिया गेट बंद पड़ा हुआ है हमारी तरफ। कोई बात नहीं, बाहर से आपको दिखा देते हैं। धन्यवाद। है ना, तुम आइए। आग वाला पान, आग वाले, आग वाला पान, आग वाले। इंडिया गेट जो भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में मेमोरी के तौर पे इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। राष्ट्रपति भवन यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और आपका पार्लियामेंट भी यहाँ से ज़्यादा दूरी के नहीं है, पास में ही है यहाँ पे। इस तरफ से जो पार्लियामेंट हाउस है, ज़्यादा दूर नहीं है। इधर इस तरफ से जो है ना, वो राष्ट्रपति का जो मेन आपको धुन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा हुआ है। यहाँ से महज 1 या 1.5 किलोमीटर। चलिए, पुलिस वाले का कहना है ज़्यादा भीड़ मत लगाना, इसलिए आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और चलते रहिए। ये देखिए साइकिल, रेंट पे ले सकते हैं आप यहाँ पे टूरिज्म प्लेसेस में। 4,000 टूरिज्म प्लेसेस में इस तरह से एक्टिविटी करने को मिलेगी आपको। जो एक्सपेक्टेशन लेकर आया था, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। आप जैसे ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग में लोग क्या करते हैं, लोग घूरते ज़्यादा है, लेकिन आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है बिल्कुल। कौन घूरे या ना घूरे, उससे हमें मतलब नहीं। हमारा काम करते चले जाना है यहाँ पे, तो इन चीज़ों को इग्नोर करना है। ये क्रीम बेल का आइसक्रीम है, चिल्ड्रन पार्क है। इस तरफ जा रहे थे, देखते हैं खुला है नहीं खुला है। चलो, वो चिल्ड्रन पार्क ये रेंट पे ले सकते हैं बाइक आप। ये रेंट पे लेना पड़ता है, कितने का पड़ता है? जहाँ पे स्टैंड हो वहाँ पे स्कैन करना, ऐप डाउनलोड करना। कितने रुपये? 25 रुपये। कितने घंटे? 1 घंटे। अच्छा, 1 घंटे का 25 रुपये का है। इस तरफ से कनॉट प्लेस का रास्ता है, कनॉट प्लेस जा सकते हैं आप। पुलिस वाले भाई साहब कह रहे हैं चाहिए, टाइम हो गया है क्योंकि बंद पड़ा है बेकार में, क्यों अपना इधर उधर टाइम देखते हैं। मैंने कहा सर थोड़ी देर वीडियोस बना लूँ, थोड़ी फोटो खींच लूँ, फिर चला जाऊँगा। ये पुलिस वाले की गाड़ी है। काफ़ी भीड़ है आज। यहाँ पे एक चावल पे अपना नाम लिखिए, एक चावल पे अपना नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए गोलगप्पे, ये आइसक्रीम अमूल का ले सकते हैं आप। गोलगप्पे यहाँ से, अभी हमने पेटीज खाया। आओ, ये क्वालिटी वर्ल्ड आइसक्रीम काफ़ी मशहूर। इंडिया गेट पे है दिल्ली में। पानी अभी भरवा दूंगा, पानी बोतल की भेज दिया, वो बहुत भरवा लेता ना 10 रुपये में। मास्क से बोलता हूँ तो आवाज़ क्लियर नहीं आती, इसलिए मास्क थोड़ा नीचे कर लिया। आ जाओ यहाँ पे, 800 बना सकते हो। कितने रुपये में भैया?
300 रुपये में अपने आर्ट्स की इमेजेस बना सकते हैं।